हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गुड़ के चावल या मीठे चावल बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसके लिए हमने एक देगची में अराउंड 2 टेबलस्पून घी गरम करने को रख दिया है। इसमें हम हमारे थोड़े मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले 2 इलायची 1 तर्ज, अराउंड 3 लवंग, 4 से 5 काली मिर्च। इसे हम थोड़ा क्रैकल होने देंगे। हमारे खड़े मसाले अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारे नारियल डाल देंगे। ये हमारा नॉर्मल गीला नारियल है, खोपरा है, जिसे हमने पीस लिया है ग्राइंडर में। ये अराउंड 2-3 टेबलस्पून होगा। इसे डालकर हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हमारे नारियल कितने अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, अराउंड 1 ग्लास। इसे बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। हमने यहाँ पर 3/4 कप चावल लिया है, जिसे हमने धोकर रख दिया है। ये भी हम हमारे बॉइल्ड पानी में डाल देंगे। ये अक्सर डिश, ये जो गुड़ वाले चावल या मीठे चावल कहलाते हैं, ये हमारे घर में अक्सर फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी इस्लामिक मंथ में बनाया जाता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो मसाले वाली दाल के साथ में खाया जाता है। उसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है। इटसेल्फ ये फुल मील है और इसके साथ फिर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मीठे चावल दाल ये काफ़ी। हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे। और जैसे हम चावल पकाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चावल का पानी सूख चुका है। हमें चावल को एकदम से नहीं पका लेना है, अराउंड 1 कनी जितना चावल कड़क रहना चाहिए, नहीं तो हमारे चावल काफी नरम हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, आप ये अंदाजा लगा सकेंगे। आप 1 कनी ले लीजिए, इसे आप दबा लीजिए आपके उंगलियों के हेल्प से, और आपको महसूस होगा कि थोड़े चावल अभी भी कड़क है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, अराउंड 1/2 ग्लास, ताकि हमारा जो गुड़ हम ऐड करेंगे वो ये चावलों में अच्छे तरीके से पिघल जाए। हमने यहाँ पर अराउंड 50 ग्राम्स गुड़ लिया है। ये हमारा नॉर्मल गुड़ है, इसे हम थोड़ा चॉप कर लेंगे, करके डाल देंगे इसमें। यहाँ पर देखिए हमने गुड़ को चॉप कर दिया है। अगर आपको गुड़ की क्वांटिटी ऐसा लगता है कि आपके घर में थोड़ा कम मीठा खाया जाता है, तो आप गुड़ की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी कम लग रहा है हमें, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अब हम इसको दम पर रख देंगे। हमने एक तवा ले लिया है, ये चावलों को हम तवे के ऊपर रख देंगे, ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से दम हो जाए और नीचे से चिपके भी नहीं। इसे बारीक पर छोड़ देंगे अराउंड 10-12 मिनट्स के लिए। बीच में आप देख सकते हैं खोलकर कि आपका पानी सूख नहीं गया। अगर आपको ऐसा लगे पानी सूख गया है, तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं।